बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मनु सलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं एक नई रेसिपी और बहुत सी दुआओं के साथ। कि आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, दिसंबर का एंड है, कुछ ही दिनों में नया साल शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल के डूबते सूरज के साथ बनी नू इंसान की तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात और बीमारियाँ, तकालीफ इसके साथ ही गुरूब कर दे और आने वाला साल बनी नू इंसान के लिए, स्पेशली पूरी उम्मा के लिए खुशियों का साल हो, सेहतमंदी का साल हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो हमारे लिए। मजलूमों की मजलूमियत ख़त्म हो जाए और उनको जालिमों की जुल्म से निजात मिल जाए। जालिम को अल्लाह में हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं आपके साथ आलू, गाजर और सेम की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो फुल वॉच करके रेसिपी को मुकम्मल फॉलो किया कीजिए। रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लिया कीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ के तमाम तर नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। सर्दी के मौसम में तमाम सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश होती हैं, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी की रेसिपीज़ शेयर करें। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पे तमाम ही सब्ज़ियाँ एक एक बाउल में, गाजर, आलू और सेम, ये तमाम इक्वल क्वांटिटी में हैं और इन सब की हमने कटिंग कर ली है अपने हिसाब से। आप लोग चाहें तो इसकी कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सेम की फली जब हम कटिंग करते हैं तो उसके दोनों साइड पर ये तार लगे हुए होते हैं, ये तारों को निकालना ज़रूरी होता है। ये मैं फेंक रही थी लेकिन इनका पहले आपको मैं दिखा दूँ। लाजमी तौर पर सेम की फली के दोनों साइड से अलग करने होते हैं, वरना ये मुंह में आते हैं और मुनासिब नहीं लगता, खाते हुए जब मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है। अब इसमें तकरीबन एक प्याली ऑयल ऐड कर रहे हैं जो लगभग 4 टेबल स्पून के करीब है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून है, चंद दाने काली मिर्च के भी ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून हमने पानी भी इसमें ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, किसी लाल मिर्च शामिल करेंगे, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले की भुनाई हो जाए और मसाला जले नहीं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, 1 प्याज़ी टमाटर ऐड कर रहे हैं चॉप किए हुए, टमाटर की अच्छी तरह पक जाने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। जितनी देर में हमारा मसाला रेडी होता है, आप में से जो लोग नए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। कुछ देर के लिए हम मसाले को कवर करके पकाएंगे। ये टमाटर इसी तरह से गल जाए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। आलू हमेशा कटिंग करके पानी में रखा कीजिए, वरना इनका कलर ख़राब हो जाता है। साथ ही इसमें गाजरें शामिल कर देंगे कटिंग की हुई, भुनाई करते रहेंगे। अब इसमें कटिंग की हुई सेम भी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह इनका कलर देखिए, इतनी फ्रेश और इतनी खिली खिली सब्ज़ियाँ देखकर दिल खुश हो जाता है। जो लोग सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते वो भी चख ज़रूर लेते हैं।
इसी पॉइंट पर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, कवर करके इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे इतना पकाएंगे कि तमाम सब्जियां अच्छी तरह गल जाए। आलू सेम और गाजर पकते हुए हमारे तकरीबन 7 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेते हैं हम। ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा डन हो गए। इसी स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। कुछ हरी मिर्चें हमने कटिंग कर ली थी और कुछ साबुत डाल लें। साथ ही इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश मेथी अवेलेबल है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा हाई करके अच्छी तरह इसका पानी जला देंगे। इसी पॉइंट पर इसे हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। रेसिपी हमारी तैयार है। पानी भी ड्राई हो गया और उसने ऑयल भी छोड़ दिया। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। और जनाब ये हमारे आलू गाजर सेम के सालन की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में। चैनल से आखिर तक जुड़े रहा कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज के तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज, नई नई व्लॉग्स और नई नई रेमिडीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।